ये चाबी वाला है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। लो चाबियों की दादी, मैं उठाता हूँ भाई। प्यार से बात करना। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। ये लो भाई। भैया डुप्लीकेट चाबी का लगेगा 50 रुपया, अर्जेंट चाहिए तो लगेगा 70 रुपया, फिक्स रेट है। अरे भाई हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये कौन से ताले की चाबी है। लोकल बात भैया, हम चाबी बनाते हैं, चाबी की फैमिली की हिस्ट्री नहीं रखते। अरे यार हिस्ट्री मत बताओ, 70 की जगह 100 रुपया ले लो, लेकिन ये तो बताओ कि इसका पता क्या है प्लीज। अरे हमने ये तो सुना है कि डॉक्टर के पास लंगड़े को ले जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब लंगड़ा है, इसकी टांग लगा दो। कभी आते सुना कि डॉक्टर साहब टांग लिया है, इसमें आदमी लगा दो। भैया इफ यू डोंट माइंड, मन ने तो लगे आप माइंड से ना बेचारे हो। इसको कैसे पता? ओके थैंक यू, नमस्ते। राजा, डार्लिंग, शट अप। लड़की गई बोतल का है। ये लटकी है ग्लूकोज की है। ओए टक्कन, हम किस काम के लिए निकले हैं, तू किधर को निकल पड़ता है, होश की दवा कर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बिस्तर के मरीज पर दवा का कोई असर नहीं होता। ये वार्ड नंबर 8 है, यानी कब्रिस्तान जाने का डायरेक्ट रूट। ये यमदूत है, शक्ल से तो नहीं लगता। ओए, क्या दुश्मनी है मेरे दोस्त से? कोई नहीं, बस रिश्तेदारी है इस कमरे से। आज 17 तारीख है, 7 तारीख यानी कि 8, और ठीक 8 तारीख को एक मैडम यहाँ पे आके लेटी थी चाकू खा के, और वो ठीक 8 बजे रवाना भी हो गई। इस बेड पे मरी थी। बेड़ा गर्क, ये मुर्दे की चाबी हमें अस्पताल तक ले आई और अब शमशान जाने की बात हो रही है। मैं कहता हूँ ये चाबी फिर वापस आ गई। 8 नंबर कमरे में 8 नंबर लॉकर की चाबी लेकर घूम रहे हो, दोनों गए काम से। लॉकर कौन सा लॉकर? वो मैं नहीं बताऊंगा, मैडम ने मना किया है। ओए, तेरा चाचा भी बताएगा। राजा तू उठ, इस बेड पे किसी को तो मरना है, इसको लिटाते हैं। नहीं, 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 मुझे कुछ मत करो प्लीज। वो मैडम ने मुझे कुछ जगह कहा इसे मैं वीटी स्टेशन के लॉकर नंबर 8 में जाकर रख दूं, और मैंने रख दिया। और ये चाबी ना, मैं नहीं बताऊंगा, वो मना किया है, चुड़ैल बनकर डराएगी मुझे। जो उसने दिया वो तूने वीटी स्टेशन के लॉकर नंबर 8 में रख दिया? जी। ठीक है जा, और सुन, मैं 5 खून कर चुका हूँ, अगर तूने मुंह खोला तो तेरा 7वां खून होगा। 7वां? हाँ, 2 बार होगा, एक बार मैं करूँगा, एक बार ये करेगा। ओ यस। नहीं बताऊंगा, किसी को बताऊंगा। राजा, जिस रात 100 करोड़ के हीरो की चोरी हुई थी उसी रात वो लड़की चाकू खाकर यहाँ जमा हुई थी। इसका मतलब जरूर उस लॉकर में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। राजा हीरे। ओ हीरे, तू ऐसे कैसे जाएगा? इस ग्लूकोज की वजह से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई, लेकिन तेरी दाहिने पॉकेट में जरूर कोई ऐसी चीज है जिसको पीने से मैं ठीक हो सकता हूँ। टकन, ये ले मार। टकर गोल, टकर गोल, ये खोला पी। हट्टिया मेरे रास्ते से ठाकुर। उधर नहीं राणा साहब, इधर। हाँ, एक बात बताइए राणा साहब, ये 100 करोड़ हीरों का वजन कितना होता है? ओए तू चुप कर, हीरे किलो के पाव से नहीं होते, कैरेट के हिसाब से होते हैं। यार बात बात पे लेक्चर क्यों देना शुरू कर देते? खोलो। जय बजरंग बली। खोल लॉकर की नली। कोई नहीं, खोल। कैसे लग रहे हैं? नहीं, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आंखें हैं कि बटन है, पीछे हटो यार। ये क्या है? काला अक्षर पैस बराबर। ये क्या है? तेरा भी काला अक्षर भैंस बराबर। अरे ये देख ना, इस पे कुछ लिखा है। क्या? तारा बना
और विक्टोरिया 203। क्या मतलब? सब बकवास है यार, किस्मत ही खराब है। विक्टोरिया, ओए, ये बकवास नहीं, नक्शा है, नक्शा। ये देख, ये तारा हीरे हैं और विक्टोरिया 203। ऐसी ही विक्टोरिया 203 में हीरे हैं। क्या बात कर रहा है यार? रिहली? अरे ये तो गैराज है। ओए रुकना, ये देख विक्टोरिया 203 का रजिस्टर्ड एड्रेस तो यही है, रमननाथ कैलाश मोहल्ला 3 नंबर बद्री धाम। ये एड्रेस है या तीर्थ यात्रा का नक्शा? ए रुक 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 रुक, घोड़े की घास। इसका मतलब जानता है क्या? इसका मतलब घोड़ा भी आसपास है। तो घोड़ा आसपास है, विक्टोरिया भी आसपास होगी। तो ढूंढना। ये देख घोड़ा विक्टोरिया पास पास। ओ हीरो वाली विक्टोरिया। किए कराए पर पानी फिरवाएगा क्या? क्यों? पहले देख तो ले घर में कौन कौन है। ओ घर भी है। हरि ओम शिव 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 शिव। अरे क्या हुआ? अरे लड़की कपड़े बदल रही है यार। हमेशा अच्छी खबर बिगड़ी हुई शक्ल बनाकर क्यों सुनाता है? बैक इज ब्यूटीफुल यार। कार में कोई और तो नहीं है? और कोई नहीं है, मैं इसको संभालता हूँ। आप तब तक विक्टोरिया से हीरे निकाल कर लाओ। चलो टक्कर, हीरे क्या वहाँ तश्तरी में पिरोस कर रखे हुए हैं? इतनी बड़ी विक्टोरिया ढूंढने में टाइम तो लगेगा। तो क्या ये काम रात को करते हैं? रात तक क्या करेंगे यहाँ पर? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? आप है? नमस्ते नमस्ते, मैं राजा, ये राणा। क्या देख रहे हैं आपको? जी आपका कार देख रहे थे, बहुत अच्छा है। अच्छा तो आप ये बोट देख कर आए हैं? हाँ वही टॉयलेट। टॉयलेट? ओए टॉयलेट नहीं, जाना टॉयलेट। टॉयलेट का मतलब? वो किराए पे खाली है मकान। अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा आइए आइए, मैं मुझे बुला रही है, तुम रुको मैं आ रहा हूँ जी। ड्राइवर वेट करो। ये कमरा है, बाथरूम बाहर है। अरे हमारे पिछले घर में भी बाथरूम बाहर था, बहुत दूर। अच्छा कहाँ रहते थे आप लोग? जी दरअसल हम सरकारी क्वार्टर में थे, लेकिन सरकार ने वक्त से पहले खाली करवा लिया। अच्छा तो सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारी सरकारी नौकरियाँ जो थी हम पर डिपेंड करती थी। देखिए हमें आपका कार बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स। आप समझ लीजिए कि हम आज से शिफ्ट हो गए। अच्छा तो दरअसल वो किराया? हाँ बोलिए। किराया? किराया तो ये ले लीजिए ना, एडवांस रख लीजिए। नहीं कल क्या देना, आज ही दे देंगे, आज भी रह सकते हैं, आज से ही रहना शुरू कर देंगे। आप रख लीजिए एडवांस जी, बिल्कुल। जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा सीमा, मैं इधर आ रहा हूँ। बिना किराया तय किए हुए इतना एडवांस क्यों दे दिया उसे? यार तुमने देखा नहीं बेचारी कितनी तकलीफ में थी यार। अबे तकलीफ में तो हम आ जाएंगे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। एक रात की तो बात थी, कल सुबह तक डाल देते, फिर किसने देखा है? यार तेरे दिल में दया का और प्यार का जज्बा है कि नहीं? अबे मेरे हिस्से का भी तो तू ही बांटता फिर रहा है ना। चल रात को जागना है, अभी सो ले साला कठोर निर्दयी।